जो लोग आज तक आईएएस पीसीएस बने वो गांव से निकले लेकिन गांव में रिटर्न नहीं आए, रिटर्न नहीं आए। आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग? यहाँ बहुत कुछ नहीं था पहले, न बिजली थी, हाँ। पानी का अभाव था, अच्छा हुआ नहीं आए, और जो बाहर थे उनके बच्चे आईएएस हो गए। हाँ, उनके जो लोग बाहर गए उनके भी बच्चे आईएएस पीसीएस। हाँ हाँ, शशिकांत सिंह जज थे, उनके दोनों बच्चे आईएएस और दोनों बहुएं आईएएस। छत्रसार डॉक्टर छत्रसार सिंह के दो बच्चे दोनों आईएएस और बहू भी आईएएस दोनों। इंदु डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह के बच्चे दिल्ली में निवास किए, उनके बच्चे आईएएस बहू आईएएस। पूरे यूपी के सबसे बड़े अफसर थे पोस्ट ऑफिस के। हमारे पास फोटो है, कहिए दिखा दे। बड़े सज्जन है भैया। यूपी के जौनपुर में माधव पट्टी गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर 47 आईएएस और पीसीएस इस गांव से निकले हैं। और इस गांव की क्या राज है और इस गांव में क्या विकास हुए हैं और 47 आईएएस पीसीएस बने तो आखिर कहां गए, इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ चाचा जी हैं। और चाचा जी खाट पे बैठे हैं और कुछ बच्चे भी बैठे हैं और जानकारी लेते हैं। चाचा जी आपका क्या नाम पड़ेगा? राजेश्वर प्रसाद सिंह। चाचा जी सुनने में आता है कि यहाँ पर 47 आईएएस पीसीएस, क्या सच्चाई इसमें है? सच्चाई ठीक है, हाँ बात ठीक है, हाँ। लेकिन जो भी जहाँ पर नौकरी पाए वही रह गए, वापस अपने धरती पर आए नहीं। मतलब जो लोग आज तक आईएएस पीसीएस बने वो गांव से निकले लेकिन गांव में रिटर्न नहीं आए, रिटर्न नहीं आए। आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग? यहाँ बहुत कुछ नहीं था पहले, न बिजली थी, हाँ। पानी का अभाव था, अस्पताल नहीं थे, शिक्षा यहाँ कमजोर थी। डिग्री कॉलेज था एक तिलकधारी सिंह डिग्री कॉलेज, बाकी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था। उस समय सब जा रहे थे दिल्ली पढ़ने, इलाहाबाद पढ़ने, इसी कारण यहाँ पर उनके बच्चे आए नहीं। हाँ, अच्छा हुआ नहीं आए, और जो बाहर थे उनके बच्चे आईएएस हो गए। हाँ, उनके जो लोग बाहर गए उनके भी बच्चे आईएएस पीसीएस। हाँ हाँ, शशिकांत सिंह जज थे, उनके दोनों बच्चे आईएएस और दोनों बहुएं आईएएस। छत्रसार डॉक्टर छत्रसार सिंह के दो बच्चे दोनों आईएएस और बहू भी आईएएस दोनों। इंदु डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह के बच्चे दिल्ली में निवास किए, उनके बच्चे आईएएस बहू आईएएस। पूरे यूपी के सबसे बड़े अफसर थे पोस्ट ऑफिस के। हमारे पास फोटो है, कहिए दिखा दे। बड़े सज्जन है। अच्छा यार, जो लोग आईएएस पीसीएस बने क्या अभी भी वो लोग इस धरती पे मौजूद हैं कि कितने? हाँ, है, 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 है। कितने लोग हैं? अरे 5 आईएएस अच्छा थे, पीसीएस या 7 थे हुई है। कुछ लोगों का नाम हम जानते हैं आप? सबका नाम बताए तो। वो लोग अभी हैं। हाँ, तो क्या लगता है जो लोग इस गांव को अभी कुछ विकास के अधूरे पर छोड़ के चले गए हैं, इस पे किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्या लगता है? जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सरकार की बनती है, यहाँ के प्रशासन की बनती है। जो भी बजट आया, अच्छे अच्छे MLA MP जो मंत्री थे अपने अपने क्षेत्र में ले गए, यहाँ पे कोई राजनेता था नहीं, यहाँ कुछ एक भी पैसा नहीं आया। क्या लगता है टाउन एरिया भी हो गया है गांव? टाउन एरिया श्री प्रकाश सिंह पीसीएस ने करा, लेकिन पैसा आया जो सब बाजार में लग रहा है। गांव में अब 2-4 घर ईटा बिछवा रहे हैं और कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। अच्छा, आप सबसे बुजुर्ग लगते हैं हमको गांव? नहीं, हम आपसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, हमारे देखने में बुजुर्ग लग रहे हैं। तो क्या लगता है वो जो आईएएस पीसीएस बने हैं बच्चे वो किस स्कूल में जाते हो रहे होंगे? अच्छे स्कूल में गए थे। हाँ, कोई दिल्ली से पढ़ा, कोई प्रयागराज से पढ़ा, यहाँ से नहीं पढ़े। जो अब नए युग में बच्चे हुए हैं आईएएस, सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। देख सकते हैं चाचा जी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई की जो शिक्षा दीक्षा थी वो अच्छे स्कूल में हुई और कहीं ना कहीं उन्होंने इस गांव का, इस मिट्टी का नाम रोशन किया है। और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं इनसे। बाबू क्या नाम है आपका? अयान सिंह। क्या नाम है आपका? अयान सिंह। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बड़े होकर साइंटिस्ट।
साइंटिस्ट बनना चाहते हैं आप भी, आपका क्या नाम पड़ेगा? उद्यान सिंह। क्या आप बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट। आपका क्या नाम है? मानस सिंह। क्या बनना चाहते हैं आप? फुटबॉलर। फुटबॉलर। देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस गांव के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अपना कदम उस जगह रख रहे हैं जहां पर एक अच्छा पोस्ट हो और गांव का नाम और माता पिता का नाम और मिट्टी का नाम रोशन कर सके। आप बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ वीरू गुप्ता।